पीपीडी खबर। नमस्कार, पीपीडी खबर में आपका स्वागत है। हद हो गई, हद माने हद दर्जे की हद। आप देख रहे हैं, कल शायद एटा में कोई भाजपा के नेता आने वाले हैं, उनके सम्मान में ये भाजपाई झंडियां लगाई जा रही हैं। और कौन लगा रहा है? नगर पालिका की सरकारी गाड़ी, सरकारी ड्राइवर, सरकारी कर्मचारी, नगर पालिका मतलब नगर पालिका के अधिकारियों के मौखिक आदेश से ये झंडियां लगाई जा रही हैं। अब लोग कहते हैं यो साहब का ट्रांसफर नहीं हो रहा, यो साहब हटाए नहीं जा रहे, सभी सभासद लगे हुए हैं, सब चाह रहे हैं कि यो साहब यहाँ से हटे। यो डॉक्टर दीप बांसुड़े, उनके मौखिक आदेश से ये झंडियां लगाई जा रही हैं। दुर्भाग्य है कि चेयरमैन वगैरह ये सब बिल्कुल लाचार साबित हो रहे हैं, ऐसी नेतागिरी का क्या फायदा। और तो और, विरोध विपक्षी सपा हो या बसपा या आप जो भी, मैं सबके लिए कह रहा हूं, सबके लिए, सब चुप्पी साधे बैठे हैं। आखिर क्यों है इतने डरे हुए? क्या हो गया राजनेताओं को? मेरी समझ से परे की बात है। भाइयों, आप लोग ये सब सीन देखिए, केवल न मेरी आवाज पर जाइए, क्योंकि एक तो ये रामलीला का लाउडस्पीकर बज रहा है, ये आवाज आ रही होगी बीच में, उसके लिए क्षमा चाहूंगा। दूसरी बात, वीडियो भी ये चुपचाप लिए गए हैं, तो आप जो है इसकी क्वालिटी पर भी मन जाइए। हाँ, हमने हमारे संवाददाता शिव कुमार पाठक जी ने ड्राइवर से जरूर बात कर पाई है। ड्राइवर का कहना है, ड्राइवर है मुलायम सिंह जी, मुलायम सिंह जी का कहना है कि ईओ साहब के मौखिक आदेश से ये लगाया जा रहा है। इससे पहले भी इन्होंने भगवा झंडे लगाए थे नगर पालिका की गाड़ी से, नगर पालिका का डीजल फूक रहा है, और ये चेयरमैन साहिबा क्या कर रही है समझ में नहीं आ रहा है। अगर नगर पालिका इस तरह चलती है क्या, आप लोग बताइए, एटा में कभी ऐसा देखा है? समाजवादी की पार्टी सरकार थी, बसपा की भी थी, इससे पहले भी भाजपा की थी, तीनों सरकारें मैंने देखी हैं, लेकिन इतना अंधेर कभी नहीं हुआ। यो साहब ने तो हद दर्जे की हद कर दी है, इतनी चमचागी नहीं भाई। आप मतलब भाजपा के नेता हो, अगर आप नेता हो तो इसको यो पद से त्याग पत्र दे दो और कहीं विधायक का टिकट लो, अगले आ रहा चुनाव आप विधायक बनिए। एटा की जनता चुपचाप बैठी है, और तो और हमारे साथी पता नहीं क्या कर रहे हैं, हमारे साथी कितने शर्म की बात है। अब सिर्फ ये कहना चाहता हूं मैं राजनेताओं से, जो विपक्षी दलों के हैं उनसे, चलो बीजेपी के लोग नहीं बोलेंगे, मजबूरी है उनकी, हालांकि कुछ नेता हैं निष्पक्ष बात करने वाले एटा में, लेकिन वो बेचारे नहीं बोलेंगे, क्योंकि पार्टी का भैया शिकंजा होता है, मैं जानता हूँ सारी चीज है। लेकिन इस तरह सरेआम जनता की आंखों में धूल झोंक करके ये ईओ जो है झंडी लगवा रहे हैं बीजेपी की, जो शर्म आनी चाहिए, डूब के मर जाना चाहिए शख्स को, बहुत गलत तरीका भाई ये। और आभार करूंगा मैं विपक्षी दलों से, ये क्या कर रहे हैं, क्या हो रहा है, क्यों नहीं बोला अपने मंचों से इस चीज को है? बाद में बात आती सारा दोस्त मीडिया मीडिया, मोदी मीडिया, बिकाऊ मीडिया, सिकाऊ मीडिया, तमाम बात मीडिया के लिए करते हैं ये लोग है? खुद इनका कोई दायित्व नहीं है? बीजेपी झंडी सरकारी गाड़ी लगा रही है, और पूरा विपक्ष एकदम बैठा हुआ है। अगर देखा जाए तो बराबर का है, बहुत अच्छी टक्कर एकदम विपक्ष देता है सत्ता पक्ष को, और उनके सब होते हुए भी ये काम हो रहा है, बहुत शर्मनाक बात है भाई ये। आपको वीडियो ये अगर समझ में आ रहा हो या आपकी इच्छा हो शेयर करने की, आप करना, वरना आप भी जैसे हो रहा है हो रहा है, अंधेर नगरी चौपट राजा, और शेर का तो बजना है बाजा। धन्यवाद, आप देख रहे हो भैया अपना पसंदीदा चैनल है आपका पीपीडी खबर, छोटा सा यूट्यूब चैनल है, लेकिन हम कोशिश यही करेंगे कि निष्पक्षता से हम अपनी पत्रकारिता करते रहें, किसी गुलाम ना बने, यही ईश्वर से मैं प्रार्थना करता हूं। जय हिंद, जय भारत। मुलायम सिंह जी, आज जो नगर पालिका की झंडी जो लगा रहे हैं आप, वो किनके आदेश से लगा रहे हैं? अच्छा, किसकी झंडी है? आज बाकी नहीं, गाड़ी नगर पालिका की है ना, किनके आदेश से आप लगा रहे हैं? डीओ साहब के आदेश से। आपने इससे पहले भी भगवा झंडी पहले लगाई थी केसरिया, वो किनके आदेश से लगाई थी? वो भी ईओ साहब के आदेश से ही लगाई थी आपने?
अच्छा, ये आदेश आपको कल दिया हुआ? कल दिया है शाम को। लिखित में दिया था या मौखिक? मौखिक। मौखिक दिया था आपको। तो आए आपने पूरे शहर में कहाँ कहाँ हंडियाँ लगाई हैं? रोड पे, रेलवे रोड पे और ठंडी घर पे। अच्छा, जेल रोड पे। जेल रोड पे अभी आपने लगाई नहीं है, लगा रहे हैं? लगाते जा रहे हैं। ओके ओके।